स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट थर्ड लैंग्वेज सेक्शन वन, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन वन का क्वेश्चन पेपर। हमने ऑलरेडी शिफ्ट सेकंड का इंग्लिश लैंग्वेज के सॉल्यूशन डाल दिए हैं और मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, आप आराम से देख सकते हैं और इससे कुछ चेंज होने की संभावना मुझे तो नहीं लगता होगी। और साइकोलॉजी के हमने डाल दिए, वो भी मोस्ट ऑथेंटिक है, हमने जल्दीबाजी नहीं करी, आराम से देख कर, ताकि गलती की संभावना बहुत ही कम हो। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन, आप से अपना चेक कर लीजिएगा और लगभग लगभग जो इसको इसमें आएगा वही रहेगा। और इसके बाद मैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से किस में कितनी कट ऑफ रह सकती है। चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट इन स्ट्रक्चर। 31 का सी, हाउ विल द वर्ड टेंडिंग टू बिकम ए यूनिटी। 31 का आंसर है सही, सी। क्वेश्चन 32, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द वुंडेड मैन डैश बाय सम बॉय, इसका सही आंसर है 32 का सी, वॉज बींग हेल्प्ड। क्वेश्चन 33, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस यूजिंग फ्रेज गिवन बिलो। ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। क्वेश्चन 33 का सही आंसर है डी। 34, चूज द नेजल साउंड्स ए, इसका आंसर है सी, एम एन एन। क्वेश्चन 35, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर वर्ड किम्बरलाइट। 35 का आंसर है सी, किम्बरलाइट। ये क्वेश्चन 36, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन जो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, ग्रेडिएशन। क्वेश्चन 37, द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रिलीवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन, इट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यह है क्वेश्चन 37 का ए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि इसमें सिलेक्ट हो रहा है मेंटल एज और रिलीवेंस के अकॉर्डिंग। इन विच मेथड मदर टंग डोमिनेट्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसका सही आंसर है 38 का सी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्वेश्चन 39, डॉक्टर माइकल्स वेस्ट न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये एक्चुअली रीडिंग पे ज़्यादा फोकस था क्वेश्चन 13 जो माइकल वेस्ट थे, तो ये है प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग, सेपरेट प्रोविजन फॉर रीडर्स। क्वेश्चन विच वन ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। क्वेश्चन 40 का आंसर है बी, इट इज मदर्स मेथड ऑल्सो। जो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको सीधे इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, उसको ट्रांसलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इन विच टाइप ऑफ रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। 41 का आंसर ए, एक्सटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन 42, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग, इसका सही आंसर है 42 का सी, इंटेंसिव राइटिंग मेथड, क्योंकि ये ट्रेसिंग मेथड, फ्री इमिटेशन, फेफ्सी फ्रेंच मेथड और ये जो मेथड है ये सारे क्या कहते हैं टीचिंग राइटिंग के मेथड हैं, तो इंटेंसिव राइटिंग मेथड है ये इसमें नहीं है एक्चुअली। क्वेश्चन 43, रिप्रोडक्शन टेक्निक रोल प्ले एंड परफॉर्मेंस आर द मेन टेक्निक्स ऑफ, आंसर है डी, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग। 44 का आंसर है डी, रिकॉर्ड प्लेयर। लैंग्वेज लेबोरेटरी इज वेरी पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन, इट इज ड्राइव फ्रॉम। क्वेश्चन 45 का आंसर है यूएसए वैसे तो अमेरिका। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन। 46 का बी, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, साइकोलॉजी का पुराना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। द टेक्निक ऑफ इवेल्यूएशन दैट इंक्लूड्स सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ येस और नो टाइप इज। 47 का आंसर है ए, चेकलिस्ट। विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सी, सी कॉम्प्रेंसिव कंटिन्यूस इवेल्यूएशन का कौन सा पार्ट नहीं है। 48 का आंसर है सी, इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। वन ऑफ दिस इज ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन 49 का है ए, इट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कंटिन्यूस असेसमेंट रहता है, ऑनगोइंग असेसमेंट रहता है फॉर्मेटिव में। तो ये फंक्शन ऑफ इवेल्यूएशन आर। 50 का है आंसर डी, टीचिंग लर्निंग। क्वेश्चन 51, इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं ना, शिफ्ट टू के पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है ना, शिफ्ट थर्ड के पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत है, आप इसमें डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड इमरजेंसी। 51 का आंसर है बी, ऑप्शन एग्जिजेंसी। चूज द एंटोनिम फॉर वर्ड ऑप्टिमल, इसका सही आंसर है सी, यूनिट डील।
53 चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसका सही आंसर ए परसेप्शन। नाउन फॉर द वर्ड डेवलपमेंटल विल बी, इसका सही आंसर है डेवलपमेंट डी, मतलब 54 का आंसर डी। चूज वन वर्ड फॉर डिजीज स्प्रेड बाय डिजीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल और ऑर्गेनिज्म, आपने COVID-19 के नाम पे काफ़ी सुना होगा इसको टर्म को। 55 का सी कॉन्टेजियस डिजीज। देन क्वेश्चन 56, इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, हियर लिविंग इज एक्चुअली 56 का आंसर है ए एडवर्ब, सॉरी ए नाउन, एडवर्ब नाउन ए। चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेज अर्निंग मशीन, आंसर है डी वेज अर्निंग। 58 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज ए डिटरमाइनर इन इट, 58 का सी हाउ आर मच मोर देन, ये मच जो इसमें ये क्वान्टिफायर है एक्चुअली। एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, विच टेंस इज यूज इन द अबव सेंटेंस, इट इज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। 59 का है ए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म, तो आंसर है इसका 60 का ए कॉमन मोर कॉमन मोर मोस्ट कॉमन। इसके साथ शिफ्ट थ्री की आंसर की कंप्लीट है, और आप देख सकते हैं हमारी साइकोलॉजी और शिफ्ट सेकंड की इंग्लिश और की आंसर की भी अवेलेबल है। थैंक यू।